ये मानुपस का आपको मैं दिखा रहा हूँ कनेक्टिविटी, प्रॉपर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से इसका कनेक्टिविटी है। यह बोरीवली चले जाते हैं और अभी जो मैंने पहले दिखाया ये मीरा रोड और दहिसर के साइड से आते हैं जो, और ये इसका एंट्रेंस है और ये सामने से इसका एलिवेशन है। तो मैं थोड़ा व्यू करके दिखा रहा हूँ आपको। ये मैं इसका एंट्रेंस लॉबी दिखा रहा हूँ आपको, मैनुपस का बहुत ही खूबसूरत इसका एंट्रेंस लॉबी है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन किया हुआ है इन्होंने, सिटिंग एरिया, और ये इसका रिसेप्शन काउंटर है। ये इसका वेटिंग एरिया है, जो अभी आपने देखा है सोसाइटीज़ में अगर कोई आते हैं जो वेट करते हैं उनके लिए सिटिंग के लिए दिया हुआ है। ये कुछ बार काउंटर के हिसाब से इन्होंने एमिनिटीज दिया हुआ है, साथ ही अंदर बच्चों को खेलने के लिए दिया हुआ है। मानुपस की 2 BHK की प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये है 5th 6th फ्लोर पे है। वैसे तो इसमें मेरे पास 4-5 फ्लैट है सेल करने के लिए। ये मैं आपको एक 2 BHK दिखा रहा हूँ कि आप पैटर्न देख के समझ जाएं कि किस टाइप का है। स्क्वायर में इसका लिविंग डाइनिंग एरिया है और ये सनराइज का साइड का व्यू है और सनसेट के साइड का व्यू है। इसमें दो ही दिशा में इसके विंडोज़ हैं और जो फ्रंट हाईवे साइड में है वो आप देख सकते हैं, तो आपको वो नॉर्थ में ओपन होता है। बट यहाँ से कनेक्टिविटी आप देख सकते हैं, ये जो गाड़ियाँ जा रही है ना बैक साइड में, ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की कनेक्टिविटी है। और पीछे नेशनल पार्क मिल जाता है आपको। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरे लिविंग डाइनिंग का एरिया, और सामने एक वार्डरोब का स्पेस दिया हुआ है, वार्डरोब जैसा, लेकिन यहाँ चाहें तो आप डाइनिंग टेबल रख सकते हैं। और ये इसका किचन का स्पेस है, थोड़ा किचन में अलग अलग फ्लैट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे छोटा बड़ा जगह किया हुआ है, बट ऑलमोस्ट पैटर्न सेम ही है। ये वॉशिंग मशीन के लिए जगह दिया हुआ है इन्होंने, और ये बैक साइड में स्पेस है, उसको आप स्टोरिंग कर सकते हैं, कुछ पैक कर सकते हैं। और ये किचन का पूरा का स्पेस है, अपर कैबिनेट्स और मॉड्यूलर किचन इसमें बना हुआ है, जो आपको फ्लैट के साथ में ही मिल जाएगा। वैसे भी वो निकालने वाले हैं नहीं। और ये पैसेज में हम आ गए हैं, ये इसका कॉमन वॉशरूम है दोस्तों। कॉमन वॉशरूम में बाथ एरिया, टॉयलेट एरिया, वॉश बेसिन एरिया आपको मिल रहा है। इसके बाद मैं आपको बेडरूम दिखा रहा हूँ कि कॉमन बेडरूम किस टाइप का है। और कॉमन बेडरूम में भी एक कवर्ड का स्पेस दिया हुआ है अलग से। इसकी एक ब्यूटीफुल बात यह है कि हर एक बेडरूम में, हॉल में इसकी बालकनी दी हुई है, जो आजकल के रेयर बिल्डिंग में ऐसा मिलता है बालकनी वाला। और ये इसकी हाईवे की कनेक्टिविटी है। बेडरूम का स्पेस काफ़ी बढ़िया है, आप देख सकते हैं कि प्रॉपर वार्डरोब का स्पेस, 6x6 का बेड रखने के बाद भी एक अच्छा खासा स्पेस आपको इसमें मिल जाएगा। अभी हम देखते हैं इसका। मास्टर बेडरूम किस टाइप का वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो रीसेल का प्रॉपर्टी है ये सब, बट लोकेशन इसका काफ़ी बढ़िया है। बिल्डिंग का OC आ चुका है, BMC वाटर इसमें रिसीव्ड हो चुका है, गैस पाइपलाइन आ चुका है, तो ये सब इसके डॉक्यूमेंट्स वाइज बिल्कुल क्लियर टाइटल प्रॉपर्टी है। अगर आप लोग मानुपस में रहते हैं तो नीचे का एमिनिटीज़, एंट्रेंस लॉबी वगैरह, लोकेलिटी कैसा है वो देखने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आप फ्लैट के आगे मैं सारा कुछ दिखाऊंगा जो मेन वीडियो हमारा बनेगा उसमें। ये खाली फ्लैट वीडियो है, इसमें देख लें आप।
फ्लैट के बाद फिर मैं सारी एमिनिटीज़ आपको दिखाऊंगा। फिर से मैं लेके चलता हूँ आपको इसके हॉल में। ये इसका पैसेज है, ये इसका फायर एग्जिट पॉइंट है, आप देख सकते हैं। इसका स्टेयरकेस वाला एरिया है, दो स्टेयरकेस देना कंपलसरी हो गया है, बिल्डर को देना ही पड़ता है, अदरवाइज बिल्डिंग की ओसी नहीं मिलती, जो हाई राइज टावर्स होते हैं। ये इसका लिफ्ट है, ये पूरा इसका पैसेज एरिया है। बैक साइड में भी कुछ इस टाइप का, इस तरफ भी फ्लैट इसका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। बट दो हाई स्पीड लिफ्ट आपको मिलता है, देख सकते हैं दोनों साइड आपको लिफ्ट दिया हुआ है। अभी आगे और भी इसका एमिनिटीज़ वगैरह देख लें आप, ओके। और प्राइजिंग और साइजिंग मैं आपको डाल दूँगा, कॉन्फ़िगरेशन डिटेल क्या है वो सब कुछ मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से प्राइस और साइज आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद अगर समझ में नहीं आता है, कुछ डाउट रहता है, तो आप हमारे जो नंबर है मोबाइल नंबर पर फ़ोन करें, उसमें एग्जैक्ट मैं आपको बता दूंगा कितने का साइज है, क्या प्राइस है और कैसा पोजीशन मिलने वाला है। कुछ भी डाउट रहता है तो आप नंबर पर फ़ोन करें दोस्तों। मैं आपको 2 BHK की प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ। ये मानुपस में है, मानुपस सोसाइटी है, ये मीरा रोड के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे प्रॉपर। आप जब दहीसर से टोलनाका से आते हैं तो आपको टोलनाका से मुश्किल से 3-4 मिनट के डिस्टेंस पे आपको मिल जाता है। ये इसका डाइनिंग एरिया है और ये इसका पूरा का पूरा लिविंग एरिया है। और यहाँ से आपको मैं वेस्टर्न एक्सप्रेस का हाईवे का व्यू भी दिखाता हूँ। ये इसकी बालकनी है, बहुत ही खूबसूरत। और ये आप देख सकते हैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और दहीसर साइड का व्यू आपको दिख रहा है। उसके बाद ये पूरा लिविंग डाइनिंग का एरिया है, इसमें ना स्क्वायर बना हुआ है और सामने एक जगह दिया हुआ है जहाँ पर स्टोरेज या डाइनिंग टेबल रख सकते हैं। और किचन आप हॉल में जब आते हैं तो राइट हैंड साइड पर इसका किचन मिल जाता है आपको। एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है और इस टाइप में किचन है। मैं आपको किचन का, ये बालकनी है, यहाँ पे ये वॉशिंग मशीन का प्रॉपर स्पेस बना हुआ है और नल भी लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी दिया हुआ है। और पीछे के साइड इसका आप देख सकते हैं स्टोरेज है, यहाँ से भी व्यू आपको काफ़ी बढ़िया ओपन व्यू और वेस्ट ओपन मिल रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं सनलाइट एयर प्रॉपर आपको मिलता है। काफ़ी बड़ा किचन का स्पेस इन्होंने कवर किया है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, बेडरूम दिखाता हूँ, इसका कॉमन बेडरूम कैसा है, मास्टर बेडरूम कैसा है इसका। और ये इसका कॉमन वॉशरूम है, इसमें वॉश बेसिन, कमोड वगैरह सब कुछ प्रॉपर एक स्पेस के साथ दिया हुआ है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, इसका कॉमन बेडरूम दिखाता हूँ दोस्तों। प्राइजिंग डिटेल ये सब मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप। ये इसका कॉमन बेडरूम है और कॉमन बेडरूम का व्यू भी देखे, प्रॉपर वेस्ट का आपको व्यू मिलता है, सनसेट का व्यू मिलता है। साथ ही साथ वेस्ट ओपन जो फ्लैट होता है ना, इसमें आप देखें एक अच्छी बात आपको ये मिलेगा कि साल में करीबन 11 महीने तक आपको वेस्ट से हवा मिलता है, जिसको एक स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा लाभदायक माना जाता है वेस्ट का हवा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ वार्डरोब का स्पेस, सामने वार्डरोब बना हुआ है और ये पूरा का पूरा बेडरूम है इसका। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ, इसका मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। ये इसका मास्टर बेडरूम है, ये मास्टर बेडरूम है, कबर्ड का स्पेस है इसका। और ये इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बालकनी का व्यू लेके चलता हूँ। बालकनी आप देख लें क्या किस तरह से बना, इसमें एक पॉकेट बालकनी दिया हुआ है, इसमें एक बहुत बड़ा बालकनी नहीं है। ये मैं एक पॉकेट बालकनी आपको शो कर रहा हूँ। अभी मैं लेके चलता हूँ आपको फिर से हॉल में।
इसका पैसेज दिखा देता हूँ कि किस टाइप का पैसेज है, वो आप देख के समझ पाएंगे। इसका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी आ चुका है, OC आ चुका है। प्राइजिंग और साइजिंग मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये इसका स्टेयर केस है, इमरजेंसी एग्जिट बोल सकते हैं, स्टेयर केस बोल सकते हैं। ये इसका पूरा का पूरा पैसेज एरिया है। यहाँ दो हाई स्पीड लिफ्ट दिया हुआ है और दो सामने भी आप देख रहे हैं फायर एग्जिट पॉइंट है, स्टेयरकेस है। इधर भी उसी पैटर्न में फ्लैट्स हैं और ये इसका इमरजेंसी एग्जिट है, स्टेयरकेस है। इधर भी इसका एक लिफ्ट आपको मिल जाता है। अब बात करूँ मैं प्राइजिंग साइजिंग कॉन्फ़िगरेशन, कितने माले की बिल्डिंग है, ये सब मैं डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप प्रॉपर देख पाएंगे, समझ पाएंगे। और अगर कुछ आपको डाउट रह जाता है तो मैं अपना नंबर भी डाल दूंगा, मेरे दोनों नंबर पे आप किसी भी नंबर पे कॉल करें, उसमें मैं आपको डिटेल दे दूंगा। दोस्तों, मैं ऊपर का आपको जिमनासियम एरिया दिखा रहा हूँ, जिम एरिया बोल सकते हैं और किड्स प्ले एरिया बोल सकते हैं एडल्ट के लिए। ये पूरा का पूरा आप ये दे सकते हैं, यहाँ पर फ्लैट खरीदने के बाद क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिल सकता है वो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर कोई सिक्योरिटी या गेम वगैरह कर सकते हैं। ये अच्छा खासा एक एरिया कवर किया है हमने। ये इसका जिमनासियम एरिया है, मैं आपको पूरा अंदर से दिखा नहीं पाऊँगा बिकॉज ये लॉक है, फिर भी आप एक दे सकते हैं कितना बड़ा स्पेस इन्होंने कवर किया है और सभी मॉडर्न इक्विपमेंट्स इन्होंने रखा है यहाँ पे। पूरा डिटेल में देखने के लिए वैसे भी तो एक बार आपको साइट पे आना ही है। ये हर एक फ्लोर पे इन्होंने ये वेटिंग एरिया और पोडियम का स्टाइल बनाया है। ये इसका बैंक्वेट हॉल है, आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज़बरदस्त हमने बैंक्वेट हॉल बनाया है यहाँ पे। अभी कंप्लीट ऑपरेटिंग में है ये, आप लेने के बाद प्रॉपर्टी खरीदने के बाद इसमें आप यूज़ कर सकते हैं पूरा का पूरा। ये टॉयलेट वॉशरूम के साथ में ये प्रॉपर इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ आपको सारी चीज़ों की सुविधा मिल जाती है। इसके बाद मैं आपको पोडियम पार्किंग दिखाता हूँ तो आप देख के समझ पाएंगे कि क्या टाइप का है, किस टाइप का है। ये इसका कार पार्किंग एरिया है जो मैं फ्लैट आपको दिखा रहा हूँ ना। अब ये कार पार्किंग का भी लगभग 7 से 8 लाख रुपए की कीमत है, तो आप देख सकते हैं ये इसके फ्लैट के साथ में आपको मिल जाता है जहाँ पे बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और ये बीच का पूरा कैंपस है, पूरा काफ़ी बढ़िया एक ओपन स्पेस, यहाँ पर कुछ बीच में इन्होंने कुछ लादी वर्क चालू है। ये पूरा इसका बिल्डिंग का एलिवेशन है, अभी मैं नीचे पार्किंग में लेके चलता हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं इसका पूरा पोडियम पार्किंग का स्ट्रक्चर है, काफी बड़ा इसका पार्किंग एरिया दिया हुआ है। पब्लिक भी यहाँ पे एक ग्रिड की पब्लिक है और एक अच्छा प्लस पॉइंट क्या है ना कि ये बिल्कुल वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से बिल्कुल लग के ही है। ये आप देख सकते हैं डाउन पोडियम जाने के लिए और ऊपर रैंप जो है वो अप पोडियम जाने के लिए है।